भारतीय सैनिकों का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे देश के इन वीर जवानों ने न जाने कितनी ही कुर्बानियां दी है। आज भी हमारे जवान देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए सरहद पर सीना ताने खड़े रहते हैं और इनके बदौलत ही हम अपने घरों में सुरक्षित रह पाते हैं। ऐसे ही वीर जवानों में एक नाम शैतान सिंह का भी था, जिन्होंने 1962 में भारत चीन के युद्ध में सेना की एक छोटी सी टुकड़ी का नेतृत्व किया था और दुश्मनों से क्या खूब लड़ा और अंत में अपनी भारत माता के लिए शहीद हो गए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी वीर जवान शैतान सिंह के बारे में जानते हैं। शैतान सिंह भाटी का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले के बंसाल गांव के एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता हेम सिंह लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में भारतीय सेना के साथ सेवा की और ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किए गए थे। सिंह ने जोधपुर के राजपूत हाई स्कूल से अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई की। स्कूल में वह एक फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में अपने कौशल के लिए भी जाने जाते थे। 1943 में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिंह जसवंत कॉलेज गए और उन्होंने 1947 में ग्रेजुएशन किया। 1 अगस्त 1949 को वह एक अधिकारी के रूप में जोधपुर राज्य बलों में शामिल हुए। जोधपुर की रियासत का भारत में विलय हो जाने के बाद उन्हें कुमाऊं रेजिमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने नागा हिल्स ऑपरेशन तथा 1961 में गोवा के भारत में विलय में हिस्सा लिया था। 11 जून 1962 को उन्हें मेजर पद के लिए प्रमोट किया गया था। हिमालय क्षेत्र में विवादित सीमाओं पर लंबे समय से भारत और चीन के बीच असहमति थी। विवादित क्षेत्र में बढ़ते चीनी घुसपैठ का सामना करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनसे निपटने के लिए रणनीतियों के बारे में पूछा। हालांकि भारतीय सेना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। इसके बजाय उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी नामक एक नौकरशाह द्वारा प्रस्तावित एक योजना को मंजूरी दी, जिसमें चीनी सीमा के क्षेत्र में कई छोटी छोटी पोस्टों की स्थापना के लिए कहा गया था। चीनी घुसपैठ के खिलाफ सार्वजनिक आलोचना में गंभीर वृद्धि के कारण नेहरू ने सेना की सलाह के खिलाफ फॉरवर्ड पॉलिसी को लागू कर दिया। चीन को भौगोलिक रूप से लाभ प्राप्त था और यह सेना के लिए चिंता का विषय था। चीनी हमले के समय कई छोटी छोटी पोस्टों को बनाए रखना असंगत था। इस पर नेहरू ने यह मान लिया था कि चीनी हमला नहीं करेंगे, लेकिन चीन ने चीन भारत युद्ध की शुरुआत कर दी। युद्ध के दौरान कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन को चुलूस सेक्टर में तैनात किया गया था। समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर सिंह की कमान में सी कंपनी रेजांग ला के एक स्थान पर थी और इस क्षेत्र को 5 प्लाटून पोस्टों द्वारा बचाव किया जा रहा था। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीन सेना ने हमला कर दिया, पर भारतीयों ने आक्रामक तरीके से तैयारी की थी क्योंकि उन्होंने चीनी सेना को सुबह 5 बजे के मंद प्रकाश में आगे बढ़ते हुए देखा था। जैसे ही भारतीयों ने दुश्मन को पहचाना, उन पर लाइट मशीन गन, राइफल्स, मोटार और ग्रेनेड से हमला कर दिया और कई चीनी सैनिक मार गिराए। 5:40 पर चीनी सेना ने पुनः मोटार से हमले करने शुरू कर दिए और लगभग 350 चीनी सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू किया। चीनी सेना द्वारा सामने से किए गए हमले असफल होने के बाद लगभग 400 चीनी सैनिकों ने पीछे से हमला किया। साथ ही 8वीं प्लाटून पर मशीन गन और मोटार से पोस्ट के तार बाड़ के पीछे से हमला किया गया और 7वीं प्लाटून पर 120 चीनी सैनिकों ने पीछे से हमला किया। भारतीयों ने 3 इंच मोटार के गोले से मुकाबला किया और कई चीनी सैनिकों को मार गिराया। जैसे ही आखिरी 20 जीवित बचे, भारतीयों ने अपनी खाइयों से बाहर निकलकर चीनी सैनिकों के साथ हाथ से लड़ने लगे। हालांकि प्लाटून जल्द ही चीन के अतिरिक्त सैनिकों के आगमन से घेर ली गई और आखिरकार 7वीं और 8वीं प्लाटून में से कोई जीवित नहीं बचा। युद्ध के दौरान मेजर सिंह भाटी लगातार पोस्टों के बीच संबंध और पुनर्गठन बनाकर लगातार जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। चूंकि वह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर बिना किसी सुरक्षा के जा रहे थे, अतः वह गंभीर रूप से घायल हो गए और अंत में वीरगति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में भारत के 123 में से 109 सैनिक शहीद हुए थे। वीरगति को प्राप्त होने के बाद इनके पार्थिव शरीर को जोधपुर लाया गया था और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मेजर शैतान सिंह भाटी के वीरता भरे देश प्रेम को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1963 में उन्हें परम वीर चक्र से सम्मानित किया, जो 18 नवंबर 1962 से प्रभावी हुआ। तो दोस्तों, आपको मेजर शैतान सिंह भाटी की यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताना। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।